लग रहा है गांव से आई हो क्या? गांव ही था पहले हमारी साल। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी इंटरनेशनल जिसको हमने कैंसिल किया है। ये है अम्मी का सूट, एक सबसे जादुई चीज लेकर आई हूँ नाखून चमकाने के लिए आपको। ये तो सबसे मेरा फेवरेट सामान लेकर आई हूँ। हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, 5-6 घंटा लेट थी ट्रेन, अब जाके बैठे हैं हम लोग ट्रेन में। बहुत दिन पर आया लगता है, गया साल से। रात आ गई। यहाँ पर आराम करने आई हो? गाइज मेरी जो ये ट्रिप थी ना बहुत ही आलसी सुस्ती ट्रिप थी, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, कुछ मजा नहीं कर पाया। बैठ एक दिन के लिए आई थी, मजा क्या करोगे कहीं भी, वहाँ भी थी तो बस एक दिन दीवार या दिन मजा किया, बाकी पूरे टाइम बेड पे। इसको भी सर्दी हो गया है, अपना एंजॉय कर रहा है कुछ देख कर। साइनस वाले लोग ये भी है, ये भी हम लोग के साथ कल चल रहे हैं। और आप लोग को बता दे कि ये इतनी मेहनत कर रही है हम लोग के लिए, इतना मेहनत की बताओ, ये किचन में ही है पूरे दिन से किचन में क्या बनना मुनी? शाही पनीर, पापड़ की सब्जी, सब्जी है जो भी, आलू मटर। और छोटी भी हेल्प कर रही है, चलोगी छोटी दिल्ली? नहीं, वीडियो में तो बोल दो कि जाएंगे। जी जाएंगे। और बाहर का नजारा यहाँ से देख सकते हैं, दिवाली का सजा हुआ है। हम लोग यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे बस, कि यहाँ पर आए थे तो सोचे कि चलो मिल लेते हैं, अब कल हम लोग को निकलना है। चलिए फिर जैसे भी कुछ होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। इसका कमेंट करके बताना है कौन सा फूल है ये। दिल्ली जाने की कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। तुमको मनी हमको भी बहुत ज्यादा। सबनी सबको लेके चल रही है दिल्ली, ये लोग भी जा रहे हैं हम लोग के साथ। अचानक से प्लान बन गया गाइस, ये लोग ट्रेन में आए थे हम लोग को छोड़ने, अब अचानक से लोग बोले अब हम लोगों को भी जाना है। हम लोगों ने बोला ठीक है, कुछ भी नहीं लेकर आई ये लोग। दो टिकट हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं इतनी सब चीजों की, वैसे कब किसका मन बन जाए, इसको भी लेके चलेंगे हम। ठीक है, ये तो सच में जा रहे हैं। ये यहाँ पर आ गया हमारा खाना, मटर आलू की सब्जी बना रही हूँ, प्याज और टमाटर पीस लिए हैं, अब चलिए उस बनाकर फिर आपको मिलते हैं। तो कपड़े सारे धुल गए हैं आने के बाद, तो भैया बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सारे पैदान सब कुछ धो लिए, मशीन में कपड़ा लगाए हुए हैं तो अभी ये धुल गए। और यहाँ पर मकासा इतना गुस्सा है, सबको काट रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा। लो खाना लो। अगर इसको 4-5 दिन छोड़ दो ना तो ये गुस्सा हो जाता है, जबकि हम लोग को नहीं काटता है, मेरे से तो नहीं है, स्वीटी को काट रहा है, काशिफ को काट रहा है, पता नहीं क्यों चली गई, और फिर सो भी रहा है उसके गोदी में, काट भी रहा है सो भी रहा। हाँ जी, आप लोग शॉपिंग करके आ गई, बोलिए। गाइस शूट के लिए गए थे, जरा सा टाइम बच गया 1 घंटे का, तो हम लोग शॉपिंग कर लिए 8 बजे से। और किस बात की शॉपिंग हो रही है ये तो आप लोगों को सामने नली ब्लॉग में पता चलेगा, कि या फिर आपको बता देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जो कि है दुबई। ये मैडम आते ही दिखा रही है, और बहुत कुछ नहीं लाया हम लोग ज्यादा कुछ, लेकिन उस दिन भी तो करके आई हो। ये देखो गाइस, हम लोग के पास पहले से बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जो यूज नहीं किया है, और कुछ ऐसे थे जो मन भर के वेस्ट हो जाते हैं कपड़े, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा कम ही कपड़ा है ये, तो आइए। ये तो इतना डर रहा था अभी। कौन? इसके लिए स्कर्ट है और ये है टॉप। मुक्की। अभी काशिफ की शॉपिंग आपको उसका शॉपिंग दिखाएंगे अभी आपको, सब पैकिंग करेंगे गाइस आज हम लोग, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम है जिसमें शूट भी करना है, एडिटिंग करना है, और मेरे बाल भी कलर। और अभी तो घूम कर आई थी, तुरंत फौरन बन गया जाने का प्लान, अचानक बस किस्मत में था, किस्मत में था तो बस हो गया है। अब सब हम लोग आज पैकिंग कर ही लेते हैं। पर गाइज मैं सच बताऊँ तो मेरा दुबई जाने का बिल्कुल मन नहीं था। गाइज जो इंटरनेशनल ट्रिप हम करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, वो उस जगह पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। हम आपको बता देते कि हम करने वाले इंटरनेशनल, लेकिन आ गया तो चलो चली जाओ कोई बात, बिल्कुल, क्योंकि ये भी अलग जगह, नई जगह, हम लोग पहले तो कहीं गए ही नहीं है, तो फिर बस अच्छा है चलो चले जाएंगे। इससे पहले हमारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी इंटरनेशनल जिसको हमने कैंसिल किया है, जैसे कि अच्छे थाईलैंड आया था, दो बार दुबई, दुबई 2 बार आ चुका था, लेकिन हम लोग नहीं गए। लेकिन इसमें क्यों जा रही हो फिर? हमारे पास पासपोर्ट नहीं था इसलिए, फिर पासपोर्ट आया है, अब तो हम लोग जा रहे हैं, पासपोर्ट तो आ चुका था हमारा, अब हम लोग रमजान की वजह से हम लोग नहीं गए। रमजान में 2 इवेंट्स थे, उसमें भी हमें जाना था लेकिन हम लोग नहीं गए, क्योंकि रमजान का टाइम था तो हम लोग नहीं जाना चाहते थे उस टाइम।
दोनों इतना परेशान करते हैं सुबह उठकर ना मिमसी मिमसी। मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ अपना, तो घर में तो कोई नहीं है। आज स्वीटी सबनी नहाने वाली है तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। आ रहे हैं मकासा, रुक जा। हाँ लो ये लो। जब खाने का रहता है तो ये चिल्लाएगा नहीं, ये नहीं कि बोले। अभी घर फैला हुआ है, अभी ये इसका खाना है और यहाँ पर मैं अपना बना रही हूँ। तो शाम तक स्वीटी सबनी शाम तक आएगी शायद, तो देखते हैं कितने बजे आती है। चलिए मैं नाश्ता बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर सैंडविच बनने रख दिए हैं, ये भारी रख दिए हैं यहाँ पर। तो चलिए जब तक मेरा बन रहा है, वो चिल्ला रही है मिमसी पता नहीं क्यों, देखते हैं। अच्छा ये बाथरूम में बाथरूम में गई है तो चिल्ला रही है। बाथरूम में जाने पर चिल्लाने का क्या मतलब है, बता के जाती है कि बाथरूम जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा सैंडविच बन गया है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सैंडविच बनकर तैयार हो गया। अब मुझे ये सैंडविच के साथ ना आलू भुजिया बहुत पसंद आता है, तो थोड़ा सा मुझे चाहिए। कोई भी ये सैंडविच चलेगा लेकिन ये थोड़ा सा मुझे चाहिए। मैं तो ब्रेड के साथ भी, कौन कौन ये ब्रेड के साथ आलू भुजिया खाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ब्रेड के साथ। रोटी के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू भुजिया, दोनों लड़ रही है। मकासा भी कम नहीं है, मकासा को भी वो छुप के देख रहा है उसको। आज इसकी लड़ाई मैं दिखाऊंगी आपको, देखते हैं कि आप लोग भी किस तरह ये दोनों लड़ते हैं। जब होगा तो मैं शूट करूंगी। अकेले मुझे नाश्ता करने में ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। जब मेरी आती है हाउस हेल्पर तो उसके साथ कर लेती हूँ, उसको भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ, नहीं तो अकेले अच्छा नहीं लगता है। यहाँ शरीफ बच्चा बैठा हुआ, मारपीट नहीं करना है एमसी, जा लड़ाई करो। देखो इधर जाके मकासा को देखो, मकासा से लड़ाई करो जाकर। जानती है कि वीडियो बनना है तो शरीफ बन जाते हैं। स्वीटी सबनी पहुंच गई है दिल्ली में, फोन आया था तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना लूं ताकि वो लोग के साथ थोड़ा टाइम पास करूं। तो अभी जा रही हूँ चिकन बनाने के लिए। तो ये प्याज और टमाटर, जब से ये वाला जो आया ना ये चॉपर, बहुत ही अच्छा है ये चॉपर, इतना काम आसान हो गया है। अगर आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। तो अभी मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर चिकन बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर वो लोग आएंगे तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये मिमसी को पता चल गया है कि कोई आ रहा है, इंतजार कर रही है यहीं पर गेट के पास। सो जाएगा मगर ये नहीं सोएगी। मकासा भी सोया, मैं भी सोई हूँ, लेकिन ये नहीं, ये इधर से उधर इधर से उधर। ये मैं चिकन बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पे मखाना फ्राई कर दिए हैं, चिप्स तल दिए हैं। अगर हल्का फुल्का खाना होगा, चाय बना दूंगी, तो हल्का फुल्का नाश्ता बना दिए हैं। अब शायद पहुँचने वाली होगी और आपको मैं दिखाती हूँ कि मकासा कहाँ सो रहा है। और मिमसी मना करते हैं इसको कि जमीन पर नहीं सो, फर्श पे तो सो। इसके लिए मैं यहाँ पर ये वाला बिछा दिए थे कि सो इस पर सो। तो मकासा देखो यहाँ सोया हुआ, ये इसको ना यहीं पे सोने में मजा आता, पता नहीं इसको गर्मी कितनी। यहाँ पर स्वीटी सबनी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा लग रहा है यार? रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। मकासा को तो बंद किए हुए के गेट खुला हुआ था। मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो? मेरे लिए तो ये है। भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, बहुत हालत देखो ना मेरी। कहाँ से आई हो? लग रहा गांव से आई हो क्या? गांव ही था। पापा आगे लेकर नीचे से मकासा तो बहुत खुश है। दिख रहा है यहाँ पर नाश्ता चल रहा है। तो ये यहाँ दुबई से आने के बाद ये घर की हालत आप देख सकते हैं, ये किस तरह फैला हुआ है। ये लोग नहीं थी तो मेरा घर एकदम साफ था। ये लोग आकर अभी दिखाते हैं। और ये देखिए ये इतना सारा फैलावा मेरा घर, ये लोग के नहीं थी तो पूरा साफ। अच्छा गाइस, ये फैलावा जो है वो हमने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है। कुछ तो भी नहीं है, कुछ भी नहीं लाया है, कुछ भी नहीं लाई है, ये कुछ नहीं ला सकते थे गाइस, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सबके लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज वहाँ की निशानी के तौर पे ले ली कि कुछ भी खाली हाथ ना जाए हम लोग, क्योंकि कुछ सामान हम लोग रख नहीं पाते भाई, क्योंकि पहले से ही हम लोग इतना सामान ठूस गए थे जो कि यूज भी नहीं किया, इतने कपड़े लेके गए। ऐसे आदमी के लिए तो लाई नहीं है। मेरे ध्यान में जितना है सबके लिए लेकर आई मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज, मम्मा के लिए तो नहीं लाई। चलो ये इतना फैलावा जो कैसे साफ होगा। आई एम टू गेस्ट। अच्छा गेस्ट है, एक गेस्ट वहाँ छुप के सोई हुई है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये परफ्यूम्स। तो ये जो परफ्यूम्स है भाई, ये परफ्यूम्स इतने ज्यादा महंगे हैं। मुझे लगा था कि दुबई में परफ्यूम सस्ते मिलते हैं, पर ये बिल्कुल गलत चीज है। तुम तो हर चीज बोल रहे थे कि यहाँ सब चीज महंगा है, बहुत महंगा करते थे। एक समरीन ने अपने लिए लिया है मिस्टर बीस्ट का चॉकलेट,
जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। समरी ने अपने लिए एक टी शर्ट ली है, कुछ भी नहीं, बस वहाँ की छोटी छोटी निशानी के लिए हम सब ने लिया है। मैंने प्योर पाकिस्तानी का ओरिजिनल सूट लिया है खुद के लिए, वो भी जल्दी जल्दी में, बस ये पसंद कर लिया, टाइम ही नहीं था हम लोगों के पास बिल्कुल भी। अब की बार इंशाल्लाह कभी जाऊंगी तो अच्छे से शॉपिंग करूंगी। चूड़ी उतार तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, ये सब मैं अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहनूंगी गर्मियों में, ये दुपट्टा, ये पजामा। और अम्मी के लिए भी सूट लिया है, पर कहाँ गया ये है ना, ये है अम्मी का सूट जो कि प्योर वहां का पाकिस्तान में लॉन फैब्रिक बोलते हैं, वो है ये फैब्रिक। मुझे बहुत पसंद आता है पाकिस्तान का, पहले दादी आती थी तो लेकर आती थी पाकिस्तान से। और ये इसका दुपट्टा, ये पजामा और ये सूट है, ये सूट गिफ्ट में मिला है अम्मी को, जो हम लोग कजन के यहाँ गए थे, जो हमारी पाकिस्तानी कजन है उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने गिफ्ट दिया अम्मी को ये वाला सूट। ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है, मैंने तो वहाँ देखा नहीं था। मुझे दादी का याद आ गया, दादी जब लेकर आती थी ना, और दादी खुद पहन कर आती थी इसी तरह का सूट पहन कर आती थी, तो बहुत बहुत बिल्कुल वहाँ का काम ही अलग होता है। तो मैं भी अगर ये वीडियो देख रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही प्यारा सूट है, ये कलर भी बहुत अच्छा है। और एक सूट हम लोग जो लेकर आए हैं वो ये है अम्मी का, ये भी पाकिस्तानी लॉन सूट है, इसका दुपट्टा सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, दुपट्टा ही पसंद करवाई थी वीडियो कॉल पर तुमको दुपट्टा। गाइस मुझे और भी सूट लेना था पर इतनी जल्दी बाजी हो रही थी ना कि मेरा मन भी नहीं भरा, मतलब मुझे और भी लेना था ऐसे लेना नहीं, असल में तुम लोग शॉपिंग पर्पस से गए नहीं, और इसलिए भी नहीं लिया कि सामान ना ज्यादा हो जाए हम लोग के पास, तो सिर्फ गिन चुन के ले लिया बस जल्दी जल्दी में। ये तो कपड़े हो गए, बस यही कपड़े लेकर आए, और ये भी उन्होंने दिया है कजन ने समरीन को, ये वाला कुर्ता सेट पूरा। ये भी हमने गिफ्ट के लिए लिया है, हमारी एक छोटी सी बच्ची है उसके लिए, क्या नाम है उसका, उसका नाम है वानिया। ये हमने सोचा कि उसके लायक यही है, एक ऊंट लेते हैं हम जल्दी से, ये निशानी के तौर पर दुबई लिखा हुआ, ये बड़ी होगी तो याद करेगी। और क्या, और भी हमने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज ले ली है। एक मैंने ये हेयर बैंड लिया है, ये बहुत ही अच्छा हेयर बैंड है गाइस, बहुत ज्यादा मैंने ये भी अपने लिए लिया था, ये भी एक मैंने अपनी कजन के लिए लिया है, तो ये उसके लिए हेयर बैंड, उसके लिए एक सूट भी लिया है, वो पता नहीं किधर रखा हुआ है, वो भी है। और गाइस बहुत सारे चॉकलेट्स लिए हैं, वो सबको हम देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अपने हिसाब से, हम लोग तो खाएंगे नहीं, हमें ये हो जाए कि बस सबके लिए हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिल जाए। और ये सबसे स्पेशल चीज, अम्मी को बर्तन धोने के लिए गिफ्ट दिया है हम लोगों ने, अम्मी के लिए कुछ नहीं लाया हम लोग, ये बर्तन धोने के लिए लाया। वहां जो मैं बर्तन धो रही थी ना उसमें का दो बच गया था तो ले आई, वहां का दूध भी बच गया था यार, लेकिन लाने नहीं दे, ब्रेड भी था बचा हुआ, ब्रेड भी था। चलो एक सबसे जादुई चीज लेकर आई हूँ, नाखून चमकाने के लिए, आपको ये तो सबसे मेरा फेवरेट सामान लेकर आई हूँ, मुझे पापा को भी बहुत पसंद आया इससे। गाइस पूरा नेल जो है ना, ये इंडिया में कहीं भी नहीं मिल सकता आपको, ये सिर्फ वहीं मिलेगा, और इससे आपके नाखून ऐसे चमकेंगे, ऐसा चमकेंगे जो लगेगा मैनिक्योर करवा के आए या फिर आपने कोई पॉलिश करी है अपने नाखूनों पे, ऐसा लगेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत एक्सपेंसिव भी है ये। और ये उन्होंने बोला था एक साल तक चलेगा, तो ये मैंने दो ले लिया कि भाई कौन जाएगा अभी इतनी जल्दी जल्दी, तो पूरा एक सेट आता है, मैं दिखाती हूँ कैसा सेट है ये ऐसा है। तो बस गाइज इतना ही हम लोग सामान लेकर आए और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, खत्म बस इतना। और मक्कू के लिए ट्रीट आई थी, मक्कू विंसी के लिए ट्रीट आई थी बस, और खजूर बस। चलो इतना ही लिया है, बहुत है, वो भी हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना एयरपोर्ट पे निकलवा दे। और गाइस एक ये हम लोग पापा के लिए एडिडास का शूज लेकर आए हैं, कि पापा का बर्थडे मंथ भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि बर्थडे गिफ्ट पापा का यहीं से लेके जाते हैं, तो पापा के लिए ये शूज है। और हम लोगों ने सोचा था एक जैकेट भी ले ले, पर हमें कुछ पसंद नहीं आया खास पापा के लायक, तो हम लोगों ने नहीं लिया। वैसे ये 2024 का कलेक्शन है, जो कि इंडिया में अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 में, लेकिन दुबई में आ चुका है, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया। तो अब बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो इस सीजन का पहला गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये यहाँ पर आ गया शरीफा, तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, सीताफल या शरीफा, चलो इसको खाते हैं। और स्वीटी समरीन तो पहली बार खाएगी। अब गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा और भूनूंगी, बस हो जाएगा तैयार।